तीन बच्चे। अध्याय तीन, इसमें दो सूत्र शुरू में लिखे हैं। श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है, ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है, प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। तो ये दोनों सूत्र आगे इस अध्याय में भी आएंगे, लेकिन हम एक बार शुरू में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्षोभ किसको कहते हैं? क्षोभ की परिभाषा है क्षमता एवं योग्यता की श्रम में परिणति के लिए विवशता, है ना। तो जब तक जीवन में क्रियापूर्णता तय नहीं हो जाती, तब तक श्रम का क्षोभ बना ही रहता है, है ना। तो ये श्रम का क्षोभ जो है वो किसी विश्राम की स्थिति तक पहुंचने के लिए ही है। तो विश्राम की स्थिति नहीं है, इसीलिए श्रम का क्षोभ है। और ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है, यानी जब आत्मा व्यापक सत्ता में अनुभव करती है तभी पूर्ण विश्राम है। तो अभी तक हम लोग एक बार पुनः दो तीन पॉइंट्स को हम ध्यान दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो हम उसको वापस मिस करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अवधारणा बोध के बाद ही अनुभव होता है। तो अनुभव होने की स्थिति तभी बन रही है जबकि अवधारणा बोध हो चुका है, है ना। तो यानी अध्ययन पूर्वक अवधारणा बोध होने के बाद ही अनुभव होता है, और अनुभव से पहले आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, है ना। ये वाली एक बात बहुत ध्यान देने की बात है। अवधारणा बोध होने पर ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में और आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक सत्ता में साथ साथ होता है, है ना। तो ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आगे हम इसको इस अध्याय को शुरू करते हैं। पेज नंबर 18। क्रिया समूह ही विराट है, है ना। विराट प्रकृति का ही दूसरा नाम है। इकाइयां विकास के अंतरांतर वैविध्यता से रहित नहीं है, है ना। तो जब तक विकास किसको कह रहे हैं? गठन पूर्णता। तो जब तक उसमें गठन पूर्णता नहीं हो जाती, तब तक उसमें वेरिएशन, वैविध्यता मतलब अलग अलग प्रकार का होना। तो इकाइयों से आशय यहाँ पे परमाणुओं से हैं, तो अनेक प्रकार के परमाणु हैं। जब तक उनमें वैविध्यता अलग अलग प्रकार नहीं के रहते ही हैं, और जब वो विकास की स्थिति को पाता है तो गठन पूर्ण परमाणु एक ही प्रकार का है, उसमें कोई वैरायटी या विविधता नहीं है। असंख्य विविधता के सबका समूह ही विराट है। तो और ये भी हम देखते हैं कि सत्ता में कोई विविधता नहीं है, है ना। तो विविधता होने के लिए अनेक का होना आवश्यक है, जबकि सत्ता जो है वो असीम स्वरूप में, व्यापक रूप में एक ही वस्तु है। विराट ही प्रकृति है, ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है, है ना। तो कोई भी क्रिया शून्य होने से व्यापक में कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है। यह पारगामी है, यह से आशय व्यापक सत्ता है, यह पारगामी है, यह अपरिणामी है। अपरिणामी से आशय है इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी इसका कुछ गठन नहीं बदलता, है ना। इसका ये अपरिणामी है, हमेशा वही उसकी स्थिति बनी रहती है, इसलिए उसका नाम स्थिति पूर्ण भी कहा है, सत्ता को स्थिति पूर्ण भी कहा है। यह आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है, है ना। तो या मतलब जब उसका कोई आकार, कोई शेप नहीं है, तो इस व्यापक सत्ता की जो है वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। तो आकार प्रकार की सीमा से बाधित नहीं है, अतः इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, है ना। तो ये शायद इस ओर ध्यानाकर्षण की भी कराया है कि जो परंपरा में, एक परंपरा में इस बात को भी कहा गया है कि ब्रह्म अपने संकल्प से प्रकृति के स्वरूप में हो गया, और अपने ही संकल्प से, अपनी ही इच्छा से जो है सब कुछ इसमें विलय हो जाएगा, जबकि ऐसा यहाँ नहीं कहा जा रहा है। तो इसमें कोई संकल्प विकल्प क्रिया भी नहीं है। सत्ता में समाहित
अनंत क्रियाएं गतिशील, स्पंदनशील, कंपनशील और तरंगित पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप परिणाम परिपाक पूर्वक प्रकृति चार अवस्थाओं में प्रकट है। तो परिणाम और परिपाक, ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो परिपाक होता है कि कोई क्रिया जो है वो जब पककर फाइनल फॉर्म में कोई तैयार हो जाता है, और परिणाम जो है वो चेंज का नाम है ना। तो परिणाम जो है परमाणु में भी होता है, जैसे प्रस्थापन विस्थापन पूर्वक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को परिणाम कह रहे हैं। और परिपाक की परिभाषा है योग वियोग संयोग पूर्वक प्रकाशित परिणति परिवर्तन और परिमार्जन। ठीक है, तो प्रकृति जो है परिणाम और परिपाक पूर्वक चार अवस्थाओं में प्रकट है। प्रत्येक क्रिया सीमित सत्ता में संपृक्त है, अतः ब्रह्म परिणाम आदि क्रिया का कारण नहीं है, है ना। तो इसमें ये इससे ये भी आशय जाता है कि कोई भी परिणाम होने के लिए, यानी प्रकृति में कोई भी परिणाम होने के लिए ब्रह्म कुछ करता हो, है ना, ऐसा नहीं है। वो तो ब्रह्म क्रियाशील शून्य स्वरूप में ही स्थिति में बना रहता है, है ना। तो कोई परिणाम होने के लिए, प्रकृति की कोई क्रिया होने के लिए ब्रह्म कुछ करता हो, ऐसा नहीं है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित है। क्रिया समूह ब्रह्म में ही संपृक्त है, यह निर्णय ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में सहज है, है ना। तो सभी क्रियाएं जो हैं सत्ता में ही संपृक्त हैं, ब्रह्म से आशय सत्ता ही है। और इस निर्णय के ऊपर कौन पहुंच रहा है, ये मानव ही इस निर्णय पर पहुंच रहा है। ब्रह्म संकल्प विकल्पात्मक क्रिया नहीं है, है ना, ये पुनः आया है। तो ब्रह्म में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई इच्छा बन रही हो ऐसा नहीं। तो ब्रह्म में जड़ चैतन्य क्रियाएं संपृक्त रूप में हैं, है ना। तो ब्रह्म जो है वो साम्य सत्ता स्वरूप में बना ही रहता है। ब्रह्म क्रिया होने का वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है, है ना। तो ये इसी को ही अलग अलग स्वरूप में बताया गया है, व्यापक सत्ता का के स्वरूप को, कि ब्रह्म क्रिया नहीं है, ये क्रिया शून्य है और इसका कोई कन्फर्मेशन पुष्टि नहीं है, और ना उसका कोई एविडेंस कोई प्रमाण भी नहीं है, है ना। तो ब्रह्म के होने का प्रमाण कौन करता है, ये 32 से पहले आया कि ये ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में। तो ज्ञानावस्था की इकाई जब अनुभव करती है तब ब्रह्म के होने का सत्यापन करती है, ब्रह्म के होने के स्वरूप को पता। तो अनुभव दर्शन एक प्रकार से अनुभव होने के बाद व्यापक सत्ता के स्वरूप का वर्णन है। यह व्यापक रूप में होना पुष्टि प्रमाण उपलब्ध है। ये कैसे पुष्टि प्रमाण हुआ, अनुभव पूर्वक व्यापक रूप में होने का प्रमाण मिला। अनुभव वर्तमान में ही प्रतिष्ठित है। तो ये भी एक बात है कि अनुभव जो है, अनुभव क्रिया जो है, अनुभव क्रिया जो है वो वर्तमान में ही प्रतिष्ठित है। भूत और भविष्य केवल अनुमान में है। तो अनुमान हम जानते ही हैं कि ये कल्पना में ही होता है। तो आशा विचार और इच्छा की सीमा में ही भूतकाल और भविष्यकाल की कल्पनाएं होती हैं। लेकिन जो अनुभव होता है, जो कि आत्मा में होता है, वो वर्तमान में ही प्रतिष्ठित होता है, यानी वर्तमान में ही अनुभव होता है, भूतकाल और भविष्यकाल में अनुभव नहीं होता है। अनुमान साधार और निराधार भेद से गण्य है, है ना। तो अनुमान दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, एक तो अनुभव मूलक प्रस्तुति के आधार पर बनने वाला अनुमान होता है, या अनुभव स्वयं हो चुका हो उसके बाद अनुभव पूर्वक अनुमान बनता है, है ना। तो दो विधि से साधार अनुमान बन सकता है, एक तो हमें कोई अनुभव पूर्वक कोई बात को बताता है उसके ऊपर हम अपने अनुमान को लगाते हैं तो उसको भी साधार अनुमान कहेंगे, और स्वयं अनुभव हो चुका हो तो उसके बाद में प्रमाणित करने के लिए जो अनुमान करते हैं उसको भी साधार अनुमान कहेंगे। उससे पहले भी अनुमान करने की क्रिया होती है तो वो उसका आधार स्वयं में नहीं होता है। तो जैसे हम शुरुआत में भी बात किए थे, अनुभव से पहले आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, और स्वयं अगर अनुभव का कोई आधार नहीं है तो फिर अनुभव मूलक व्यक्ति के सानिध्य में और उसके मार्गदर्शन में साधार अनुमान बनने की एक संभावना है।
तो साधार और निराधार जो है यही स्पष्टता और अस्पष्टता को प्रकट करता है। आगे हम चलते हैं, नियम प्रक्रिया लक्षण सहित आधार साधार अनुमान, अन्यथा निराधार अनुमान है। तो नियम प्रक्रिया और लक्षण को संयुक्त रूप में अपन क्या कहते हैं, सिद्धांत। तो नियम प्रक्रिया और लक्षण जो है सिद्धांत के रूप में कौन प्रमाणित करता है, अनुभव मूलक विधि से उसका प्रमाण उपलब्ध होता है। तो अनुभव मूलक विधि से जो जीता है उस आधार पर जो अनुमान होता है उसको साधार अनुमान कहा है, अन्यथा निराधार अनुमान कहा है। आगे पेज नंबर 19, प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का की उपलब्धि प्रसिद्ध है, है ना। तो प्राप्त का मतलब जो होता है व्यापक सत्ता प्राप्त है तो उसमें अनुभूति ही होती है, और बाकी इकाइयां प्राप्य हैं उसकी उपलब्धि यानी उसको मिलना ये प्रसिद्ध है, यानी ये ऐसा होता है। प्रत्येक इकाई विराट, विराट मतलब प्रकृति, प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है, इसलिए वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है, है ना। तो प्रकृति की इकाइयों में परस्पर संकेत ग्रहण करने और एक दूसरे के प्रति के साथ संकेत प्रसारित करने का गुण उनमें पाया जाता है, जिसको व्यंजनीयता, व्यंजनोत्पादिता, ये इन शब्दों से भी व्यंजना इन अर्थ में कहा गया है। तो इकाई जो है स्वयं जितना विकसित होती है उसके अनुसार वो आगे अधिक विकसित का संकेत को ग्रहण कर पाने की भी उसमें क्षमता रहती है, और अपने से कम विकसित का मूल्यांकन कर पाना, उसके संकेतों को ग्रहण करना। तो इस प्रकार से प्रकृति की इकाइयों में परस्पर पहचान का एक स्वरूप जो है वो बना हुआ है व्यंजना के माध्यम से, है ना, जिसको प्रतिबिंबन और पहचान भी के अर्थ में भी व्याख्या दिया गया है। प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में मध्यस्थ दर्शन उसको स्वीकारता नहीं है कि प्रकृति कभी बनी हो, है ना, ब्रह्म से पैदा हुई हो, या ब्रह्म भी कभी आया हो, उससे उसका भी ऐसा कोई पॉइंट हो जब ब्रह्म नहीं था और उसके बाद में हुआ, ऐसा कोई उसका प्रमाण नहीं है। मतलब प्रमाण मतलब इसका कोई अनुभव नहीं है, इसका कोई सत्यापन नहीं है। सॉरी, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो अस्तित्व को नित्य वर्तमान स्वरूप में मध्यस्थ दर्शन में पहचाना गया है, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करते, तो वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। मतलब वर्तमान में ही अनुभव होता है, और वर्तमान में क्या प्रत्यक्ष है, सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति, है ना। तो यही अनुभव में भी आता है। उसके बाद प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है, है ना। मतलब प्रकृति और सत्ता जो है कब इसका शुरुआत हुई और कब ये समाप्त हो जाएगा, ये इसके लिए कहा, ये बहुत ये विगत में और आगत में, मतलब कभी फ्यूचर में जाके वो अंत हो जाएगा और ये कभी पास्ट में कभी बना था, ऐसी चर्चा जो है मानव में हुई है जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब उसके ड्यूरेशन का कोई हमारे पास में एविडेंस नहीं है, मतलब वो होता भी नहीं, जो प्रमाण नहीं है वो चीज होती भी नहीं है, ये वाला मध्यस्थ दर्शन में बेसिक प्रतिपादन है। जो चीज प्रमाणित है, जो चीज प्रमाणित होती है वही होती है, और जो चीज होती है वही प्रमाणित होती है। तो इनके बारे में चर्चा तो मानव ने की है, यानी उसके बारे में कल्पना तो की गई है कि प्रकृति और सत्ता का आदि कब था और अंत कब था, और इसको लेकर जो गणना मतलब इसको लेके लोग क्या देते हैं कि कब ये शुरू हुआ, इसके लिए ऋण और धन अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई है। मतलब माइनस इन्फिनिटी टाइम, मतलब बहुत पहले बहुत सुदूर विगत में कभी ब्रह्म से प्रकृति प्रकट हुआ या ब्रह्म प्रकट हुआ, और फिर बहुत समय के बाद में
है ना, इनफाइनाइट समय के बाद में ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की कल्पनाएं दी गई हैं, कल्पनाएं अगेन है ना, इस प्रकार के अनुमान हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी हम बात कर इसमें शुरुआत में ही कह दिया गया है कि जो कुछ भी कल्पनाएं हैं या अनुमान हैं उसकी सीमा जो है वो भूत और भविष्य की जो बात है वो केवल अनुमान में ही रहती है, अनुभव में नहीं आती है, अनुभव में केवल वर्तमान ही आता है। तो वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति के नित्य वर्तमान का स्वरूप ही आता है ना। तो इस प्रकार बाकी जो है वो केवल निराधार कल्पना है ना। तो आधार सहित कल्पना जो है वो आधार सहित अनुमान जो है वो केवल वर्तमान पर आधारित, वर्तमान में अनुभव के ऊपर आधारित ही बनता है। निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधार योजनाबद्ध अनुमान नहीं है, यह प्रसिद्ध है ना। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा चीज पे अनुमान बनाते हैं जो कि बिना अनुभव के ऊपर होता है तो उसका कोई प्रमाण नहीं बनता है ना, वो कोई प्रत्यक्ष नहीं होता और उसका वो योजनाबद्ध भी नहीं होता। तो ये चीज वेल एस्टेब्लिश्ड है। आकार आयतन घनोपाधि युक्त अनंत लोकों का आधार भी भ्रम ही है। लोक से आशय या ग्रह गोल से है। तो ऐसे अनंत जो ग्रह गोल हैं जो कि एक निश्चित आकार आयतन घन के साथ में है, इनका आधार मतलब इनके रहने का स्थली भी ब्रह्म ही है, व्यापक सत्ता ही है। व्यापक सत्ता में ही सभी ग्रह गोल पाए जाते हैं। सूत्र छंद वाक्य शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का वर्णन है, साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी है, है ना। तो अब यहाँ पे ये बात कही है कि भाषा, भाषा के द्वारा, भाषा किस रूप में हो सकती है, सूत्रों के रूप में, छंद वाक्य शब्द आदि के रूप में, तो उससे क्या है क्रिया का वर्णन हो सकता है, उनका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो हमने देखा क्रिया मात्र का दर्शन है। साथ ही ज्ञान अनुभूति के लिए उपदेश पूर्वक, उपदेश यहाँ पे आशय है उपाय पूर्वक, उपाय सहित आदेश है ना, इसके साथ इंगित भी है। तो यानी यह ज्ञान अनुभूति के लिए क्या उपदेश है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, मतलब ये जानने और मानने का तृप्ति बिंदु को ही अनुभव कहा है। तो अनुभव के लिए क्या उपदेश है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, है ना। तो इस बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि हम जो है अपने ही जानने और मानने में तालमेल बैठाते हैं और उसी के तृप्ति बिंदु का नाम अनुभव है। ब्रह्म सहज वर्णन पारगामी व्यापक और पारदर्शिता के रूप में है। तो ब्रह्म का क्या डिस्क्रिप्शन है कि ये पारगामी है ना, यानी आर पार है और ये व्यापक है, सभी जगह है और ये पारदर्शी है, इकाइयों की परस्पर पहचान होने में ये कोई बाधा नहीं है। तो यह केवल भास आभास बोध और अनुभव गम्य है ना। तो व्यापक सत्ता का कल एक सूत्र आया था कि मानव को भी ब्रह्म में ब्रह्म का भास होता है ना। तो इसके बाद में तो ये ब्रह्म का केवल भास आभास बोध और अनुभव गम्य है ना। तो ज्ञान के बारे में इस क्रम में पहुंचते हैं। इसका बोध मानव की क्षमता योग्यता पात्रता पर आधारित है। तो व्यापक सत्ता का बोध जो है तो वो किस पर आधारित है, मानव की क्षमता योग्यता पात्रता पर आधारित है। तो ये बहुत ही क्लियर हो रहा है कि क्षमता योग्यता पात्रता जो है वो विकसित होती है ना, और वो प्रकृति की होती है। तो व्यापक सत्ता वैसा ही बना रहता है और इकाई की क्षमता योग्यता पात्रता में विकास होता है। प्रत्येक इकाई का आधार भ्रम ही है, सबको मूल प्रेरणा यह में ही प्राप्त है, यह मतलब सत्ता। तो प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है, सबको मूल प्रेरणा यह में ही प्राप्त है, प्रकृति सत्ता में संपृक्त है। ब्रह्म में प्रेरणा पाने प्रदान करने के लिए संकल्प विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है ना। ये बात पहले भी आ गई है।
नियंत्रण ही प्रेरणा है, व्यापक में ही प्रकृति नियंत्रित है। यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि ब्रह्म प्रकृति को नियंत्रित नहीं करता, है ना, प्रकृति उसकी प्रेरणा में नियंत्रित रहती है, है ना। तो ये वाली बात हम कह रहे हैं कि प्रकृति उसकी प्रेरणा को प्रेरणा में नियंत्रित रहती है, ब्रह्म की प्रेरणा में नियंत्रित रहती है। ब्रह्म जो है वो नियंत्रित करता नहीं है। ब्रह्म से रिक्त मुक्त क्रिया और स्थान नहीं है, ये अपने में स्पष्ट है। ब्रह्म व्यापक और क्रिया सीमित है, है ना। तो ये वाली बात भी सही है कि ब्रह्म जो है व्यापक वस्तु है और क्रिया जो है यानी सभी प्रकृति की क्रियाएं वो सीमा सहित हैं। अतः संपूर्ण क्रिया ब्रह्म में संप्रिक्त आश्लिष्ट संश्लिष्ट है, इसलिए ब्रह्म में नियंत्रित है। संप्रिक्तता ही नियंत्रण, नियंत्रण ही प्रेरणा और प्रेरणा ही ज्ञान है। तो ये वाली बात जो है ये अनुभव में आता है ना, कि संप्रिक्तता ही जो है वो नियंत्रण का स्वरूप है और नियंत्रण ही प्रेरणा है और ये प्रेरणा ही ज्ञान है। तो ये व्यापक सत्ता ज्ञान के स्वरूप में है, ये बात अनुभव में स्पष्ट हो रही है, इसीलिए इसको अनुभव दर्शन में लिखा है। तो संप्रिक्तता अनुभव में आती है तभी ये पता लगता है कि मेरे नियंत्रण का आधार क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आत्मबोध के साथ में मेरा स्वरूप स्पष्ट हुआ और फिर संप्रिक्तता ही मेरे नियंत्रण का आधार है, सबके नियंत्रण का आधार है और यही मूल प्रेरणा है और यही ज्ञान है, ये अनुभव में स्पष्ट होता है, जिसको लिखा गया है अनुभव दर्शन पेज 20 पे। ब्रह्म में ज्ञानावस्था सहज जागृति में से के लिए गति है, है ना। तो ब्रह्म में ज्ञानावस्था सहज जागृति में से के लिए गति है। ज्ञान ही ब्रह्म, ब्रह्म ही व्यापक, व्यापक में हर इकाई नियंत्रित, नियंत्रण ही प्रेरणा, प्रेरणा ही नियम न्याय धर्म और सत्य, नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम, प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही जागृत जीवन, जागृत जीवन ही आनंद, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान है। देखिए ये वाली स्थिति अनुभव की स्थिति में स्पष्ट हो रहा है, यानी जब आत्मा में अनुभव हो रहा है और आत्मबोध हो रहा है उस स्थिति में यह कहना बन रहा है कि ब्रह्म में ज्ञानावस्था सह जागृति में से के लिए गति है। और ऐसे में ज्ञान, ब्रह्म ही ज्ञान है या ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही व्यापक वस्तु है, ये सब सत्यापन करना बन रहा है कि व्यापक में हर इकाई नियंत्रित है, ये नियंत्रण ही प्रेरणा के रूप में है, ये प्रेरणा ही जो है नियम न्याय धर्म और सत्य के रूप में है समग्र व्यवस्था में, और यही प्रेम का भी स्वरूप है, अनन्यता का स्वरूप है, और यही अनुभूति है और यही जागृत जीवन का स्वरूप है। तो ये वाली स्थिति जो है ये अनुभव में बन रही है। लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा व ज्ञान है, है ना। तो ये वाली स्पष्ट हुई कि हम ये वाली बात पहले हुआ था कि ज्ञान ही जो है वो नियंत्रण का आधार है, है ना, और उसी से ही हरेक में पूर्णता की ओर दिशा बनी हुई है। तो लक्ष्य की ओर त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, उसकी ओर तेजी से बढ़ने की जो क्रिया है वही प्रेरणा है। तो ज्ञान स्पष्ट होता है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उससे मिली ही रहती है। प्रकृति मूलतः ब्रह्म में नियंत्रित एवं प्रेरित है, वह सदा चार अवस्थाओं में अभ्युदयशील है। ठीक है, ये वाली बात ठीक है। एक मिनट, लिंक नहीं, एक मिनट, आपको आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज एक बार तुम्हारे नाम से आपको आवाज सुनाई दे रही है, ठीक एक बार कोई कंफर्म कर दें। जी तो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
मानव लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। लेकिन भैया इसको कैसे बढ़ाएं समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूं, यही इसका उपाय लगता है। मानव लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की इकाई अहर्निश करता आया है, है ना। तो ये बात स्पष्ट है कि जीवावस्था का उपयोग जो है वो चैतन्य प्रकृति, जड़ प्रकृति का उपयोग जो है वो चैतन्य प्रकृति करती ही है। तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाइयां जो हैं, जड़ प्रकृति का विराट में स्थित मतलब प्रकृति का भाग जो के रूप में जड़ प्रकृति जो है उसका उपयोग जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाइयां करती हैं। मानव को आनंद सहज निरंतरता पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है, है ना। पद मुक्ति हम समझे ही थे कि दिव्य मानवीयता का पद जो है वो पद मुक्ति है। तो आनंद की निरंतरता जो है वो दिव्य पद में है, यही दिव्य मानव का पद है। जागृति पूर्वक प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है, है ना। तो जागृति पूर्वक किसकी बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। मानव की जागृति पूर्वक उसकी प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है, मतलब अब उसमें मानव में अनुभव हो जाता है तो अनुभव के ऊपर अनुमान बनता है, मतलब अनुभव के ऊपर आशा कल्पना बनती है, तो अनुभव से अधिक अनुमान इस प्रकार से कहा गया है। तो ये अनुभव मूलक अनुमान है, इसलिए अनुभव से अधिक अनुमान है। जड़ प्रकृति के आस्वादन से आनंद की निरंतरता नहीं है, ये वाली बात अपने में स्पष्ट है ही। श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है, ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है, पूर्ण विश्राम ही सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाण है, है ना। ये वाली हम शुरू में इस सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके थे कि जो कुछ भी मानव में श्रम है उसका क्षोभ होना, उसका क्षोभ होना यानी उसका रेजिस्टेंस अपने अंदर होना कि वो अपूर्ण हो जा रहा है, वो जो उससे अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तभी उसका श्रम का क्षोभ हो रहा है। तो ये मूलतः है, इसीलिए उसको कहा कि किसी विश्राम को पाना चाहता है, इसीलिए है। तो विश्रामस्थ इकाई ये बात को सत्यापन कर रही है कि मानव में जो श्रम पाया जा रहा है उसका क्षोभ जो उसमें हो रहा है वो श्रम का क्षोभ जो है वो उसमें अग्रिम जो आगे की स्थिति है विश्राम उसकी प्यास है, है ना। और ब्रह्मानुभूति होने पर ये पूर्ण विश्राम होता है, तब श्रम का विश्राम होता है, तब फिर उसके साथ में जो व्यवहार होता है या विचार होता है उसके वो उसको बोला ये वो निर्बीज विचार होता है, है ना। तो श्रम का क्षोभ जब मुक्त हो जाता है या श्रम का विश्राम होने के बाद निर्बीज विचार के साथ में बात होता है। क्रिया मात्र की वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होना एवं सत्य में अनुभव होना प्रसिद्ध है, है ना। तो ये वाली बात स्पष्ट है कि प्रकृति की वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होना और सत्य में अनुभव होना, है ना, व्यापक सत्ता में अनुभव होना प्रसिद्ध है। ब्रह्म नित्य सत्य व्यापक अखंड ज्ञान और शाश्वत है, यह स्थूल सूक्ष्म कारण क्रिया और परिणाम से रहित देश कालातीत और आनंद स्वरूप वह पूर्ण है। देखिए कितने सारे इसकी व्याख्या की है। ब्रह्म यानी व्यापक सत्ता नित्य है, सत्य है, व्यापक है, अखंड है, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये स्वयं ज्ञान के स्वरूप है और ये शाश्वत है, ये हमेशा वैसा का वैसा ही बना है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण क्रिया और परिणाम से रहित है, मतलब ये क्रिया शून्य है, ये स्वयं देश है मतलब सारा स्थान यही है, और कालातीत है मतलब कि इसमें कोई समय या की बात नहीं है क्योंकि ये सभी समय के में नित्य रूप से बना है, ये आनंद स्वरूप है, है ना, ये स्वयं एक आनंद के स्वरूप में है। जैसे कल एक प्रश्न आया था कि ये स्वयं में जड़ वस्तु जैसा दिखता है, है ना, लेकिन ये हमें जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये व्यापक वस्तु हमको खाली स्थली
ये एक हमको उसका क्या स्वरूप है ये हमको स्पष्ट नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि ब्रह्म के नित्य सत्य व्यापक अखंड ज्ञान शाश्वत होना और कालातीत होना, आनंद स्वरूप होना, पूर्ण होना, ये अनुभव में स्पष्ट हो रहा है कि ये एक व्यापक वस्तु जो है ये आनंद स्वरूप वस्तु है, ज्ञान है और जड़ के लिए यही ऊर्जा है। ये इस सच्चाई, इस रियलिटी को केवल अनुभव में ही ये स्पष्ट होता है, जिसको अनुभव दर्शन में लिखा है। शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है, यानी जो भी भाषा के रूप में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भी व्यापक सत्ता में ही कहा जा रहा है। ब्रह्म शब्द से शून्य भी इंगित है, है ना। प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदस्य और कोई नहीं है और उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव नहीं है। मतलब प्रकृति की सारा विश्लेषण विवेचना वैसे भी दर्शन के बाद में ही अनुभव की बात हो रही है, तो ये स्थिति के बाद में संपूर्ण प्रकृति के विवेचना के बाद, यानी अवधारणा होने के बाद, अवधारणा तभी हुई जबकि प्रकृति की पूर्ण विवेचना हो गई, फिर भी ब्रह्म के सदस्य यानी व्यापक सत्ता के सदस्य उसमें और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि संप्रक्तता का स्वरूप जो है अछूता ही रहता है दर्शन होने के बाद भी। तो दर्शन का के बाद में अनुभव होना शेष रहता ही है और तो उसके और उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव नहीं है, प्रकृति का उससे पृथक अस्तित्व नहीं है। तो जो भी प्रकृति की विवेचना है वो ब्रह्म में ही है और ब्रह्म में ही संपूर्ण प्रकृति की विवेचना है। क्रिया और इकाइयों का सानिध्य, सानिध्य मतलब पास में आना, और एवं सहवास, सहवास मतलब साथ में रहना। तो क्रिया और इकाइयों का पास में आना और साथ में रहना प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब ये होता ही है। यह विरोध अथवा निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन भाव सहित आशा आकांक्षा तथा इच्छा के रूप में मानव में प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो जो भी इकाइयों का सानिध्य और सहवास होगा वो या तो विरोध पूर्वक होगा या निर्विरोध पूर्वक होगा। तो निर्विरोध पूर्वक होगा तो उसका हम स्वागत करेंगे और है ना उसका, या फिर आस्वादन करेंगे, और ये आशा आकांक्षा और इच्छा के रूप में मानव में प्रत्यक्ष होता है। पेज नंबर 21। ब्रह्म ही परमात्मा है, परमात्मा इसलिए कहा क्योंकि ये आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए इसको परमात्मा नाम भी दिया। यही पूर्ण सत्ता है। आत्मा का नित्य अभीष्ट होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है, ठीक है। इकाइयां परिमित, परिमित मतलब सीमित या फिर बाउंड्री के साथ में, इकाइयां परिमित, इनकी परिमिति है, इकाइयां परिमित और परमात्मा अपरिमित है ना। व्यापक सत्ता की कोई परिमिति नहीं है या फिर सीमा नहीं है, तो इसको अपरिमित कहा। प्रत्येक ज्ञानात्मा अपने विभिन्न, अपने अभिन्न अंगों सहित एक मानव शरीर को संचालित करते हुए मानवीयता एवं अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है, फलतः परमात्मा अनुभव करता है। तो ज्ञानात्मा से आशय है मानव जीवन, अपने अभिन्न अंग मतलब मानव जीवन में जो आत्मा है उससे ज्ञानात्मा आशय है, और उसके अभिन्न अंग कौन से हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, इनके साथ में मानव शरीर को संचालित करते हुए, है ना। तो ये जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानवीयता और अति मानवीयता, अति मानवीयता से मतलब देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है, फलत है परमात्मा अनुभव, यानी कि व्यापक सत्ता में अनुभव करता है, है ना। तो कल ये वाली बात भी आई थी कि ब्रह्मानुभूति और सहस्तित्व में अनुभूति, प्रेमानुभूति, ये सब एक ही वस्तु से, एक ही सच्चाई को, एक ही क्रिया को इंगित कर रहे हैं। ज्ञानात्मा मानवीयता तथा उससे अधिक जागृति, है ना, मानवीयता से अधिक जागृति क्या होगी, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की जागृति के सीमावर्ती स्वभाव और कर्मों में व्यवहाररत और आकांक्षुक है ना। तो
ज्ञानात्मा जो है वो किस में या तो उसके लिए आकांक्षा के साथ में है या फिर उसको व्यवहार में प्रमाणित कर रहा है। किस बात को? मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की जागृति को लेकर। इसके विपरीत भ्रमवश अमानवीयतात्मक स्वभाव दृष्टि पूर्वक विषय उपभोग में भी रत पाया जाता है, है ना? ये वाली बात स्पष्ट है। अमानवीयता के लक्षण मानवेतर जीव में भी आंशिक रूप में विद्यमान है ना? तो हमने देखे अमानवीयता का क्या लक्षण है, दीनता, हीनता, क्रूरता, है ना? और मानवेतर जीव जो है उनका क्या स्वभाव है, दीन, है ना, क्रूरता और अक्रूरता, है ना? तो उसमें भी जो अमानवीयता जैसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, पर मानवेतर जीवों में उनके उस विधि से रहते हुए भी, क्रूर और अक्रूर स्वभाव के साथ रहते हुए भी, वो एक संतुलन को प्रमाणित करते हैं और अपनी उपयोगिता और पूरकता को प्रमाणित करते हैं। जबकि अमानवीयता के स्वभाव के साथ में, यानी दीनता, हीनता, क्रूरता के स्वभाव के साथ में, अमानव जो है, मानव जो है वो व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता, है ना? मानव अमानवीयता पूर्वक भोग दृष्टि व स्वभाव से ह्रास की ओर अग्रसर होता है, है ना? ये बात अपने में स्पष्ट है कि अमानवीय की पूर्वक जो है उसके भोग और उसके विचार के स्वरूप और उसके स्वभाव से वो ह्रास की ओर ही अग्रसर होता है। प्रत्येक ज्ञानात्मा भ्रम पर्यंत शरीर त्याग के समय सुख या दुख, स्वरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, यह जो स्व प्रभावीकरण है, यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है, है ना? अब यहां बता रहे हैं कि मरने के समय क्या होता है, है ना? तो स्व प्रभावीकरण से मतलब है अपने ही मूल्यांकन से प्रभावित हो गया या कुछ निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये निष्कर्ष निकालना, तो इस बारे में हमने पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है कि जब जीवन और शरीर का वियोग, मानव जीवन और शरीर का वियोग होता है तो संपूर्ण पूरी शरीर यात्रा का एक मूल्यांकन होता है और उससे ये अपना ही एक अपने ही जीवन पर, उस मूल्यांकन से अपने ही जीवन प्रभावित हो जाता है, है ना? कि मैं सुखी रहा या दुखी रहा, मैं सुखी के आधार पर, रूप या देखने के स्वरूप में नहीं है, उसके साथ में गुण भी जुड़ा है और उसके साथ में एक ये भाव स्वयं में बनता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, है ना? ये एक भाव बनता है। तो ये एक अगली शरीर यात्रा का जन्म परिपाक प्रक्रिया है, मतलब ये एक जो पूरा शरीर यात्रा की ये जो क्रिया रही उससे अब ये परिपाक बना अगले शरीर यात्रा के लिए, है ना? तो ये और ये बुद्धि में चला जाता है, ऐसा भी बाबा जी से सुना था हमने कि ये बुद्धि में चला जाता है और फिर अगले शरीर यात्रा जब जीवन शुरू करता है तब वो कारण उसका बनता है। तो जिस जो ये सुख और दुख और स्वरूप और कुरूप के बारे में जो जीवन का अपने ही स्व प्रभावीकरण होता है, उस अनुकूलता के प्रति जीवन का आकर्षण होता है और ऐसा योग होने पर उसका अगले जन्म का, अगले शरीर यात्रा का कार्यक्रम शुरू होता है, है ना? तो ये इस सूत्र से आशय है। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, प्रत्येक ज्ञानात्मा भ्रम पर्यंत, है ना, यानी जब तक उसमें भ्रम रहता है तब तक शरीर त्याग के समय सुख या दुख, स्वरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जो स्व प्रभावीकरण है, यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है। स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सहज शक्तियों के अंतर नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। तो स्व प्रभावीकरण जो है उसका सार्थक स्वरूप क्या है कि मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में हो, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में और आत्मा का व्यापक सत्ता में। तो
तो ये अंतर नियोजन पूर्वक वास्तव में सही स्वप्रभावीकरण यानी सही मूल्यांकन का स्वरूप जो है वो होता है। तो अगला है, मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को जब देखता है तब उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है। तो जब जैसे मानव हम किसी की किसी के मृत्यु के समय में जाते हैं तो उस समय जो अपने में एक वैराग्य का भाव होता है कि क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ मतलब मरना ही है, और एक प्रकार का एक शमशान का वैराग्य का बात आता है, तो जीवन भी उससे प्रभावित होता है। तो जीवन अपने उस अपने आप से उसमें ये जो भाव पैदा होता है उसको भी वो भी एक स्वप्रभावीकरण क्रिया है। तो जीवन का एक सच्चाइयों के प्रति स्वीकृति जैसी है वैसा हो पाना है ना, उसका सार्थक स्वरूप तो है कि वो शिक्षा द्वारा उसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में ना प्रत्यावर्तन हो। लेकिन इसके लक्षण जो है वो ना उस समय भी मृत्यु के समय और दूसरे की मृत्यु के समय भी देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है। प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया की प्रतिक्रिया व परिपाक प्रसिद्ध है। तो कोई भी कर्म होता है उसके उसका स्फुरण यानी वो कर्म के मूल में कुछ संस्कार होता ही है, और ये प्रत्येक कर्म जो है वो संस्कार देने वाला होता है। तो ये संस्कार देने का क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि संस्कार अपने में पूर्ण नहीं हो जाता। तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना और परिपाक प्रसिद्ध है। परिपाक मतलब किसी क्रिया का निष्कर्ष बन जाना, और प्रतिक्रिया मतलब निष्कर्ष नहीं बन पाना, उसका रिएक्ट होना है ना। तो कोई भी क्रिया का मानव क्रिया का उसमें प्रतिपाक और परिपाक होता है या फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है। आस्वादन एवं अगला पेज है पेज नंबर 22। समय को देखेंगे क्या हुआ है। हाँ 10:15 तो आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, विश्लेषण एवं तुलन क्रिया का प्रभाव वृत्ति पर, चित्रण एवं चिंतन क्रिया का प्रभाव चित्त पर, संकल्प एवं बोध का प्रभाव बुद्धि पर होता है ना। ये बात स्पष्ट है। सत्य बोध योग्य संस्कारों से समृद्ध होने तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में है। तो हमने इस बात को देखा भी था कि जब तक बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में नहीं हो जाता तब तक बुद्धि का जो स्वरूप है वो अहंकार ही है ना। तो इसमें तीन स्थितियों के बारे में हमने बात की थी, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत है ना। तो इस प्रकार से तो संस्कारों से समृद्ध होने तक, जब तो इस बोध होने की स्थिति को तब कह रहे हैं जब कि बुद्धि में आत्मबोध हो जाए है ना। उससे पहले बुद्धि में बुद्धि का जो स्वरूप है वो बुद्धि ही मैं का स्वरूप बना रहता है, तो इसलिए उसको अहंकार कहा है। अहंकार ही भ्रम और अज्ञान का कारण है ना। तो भ्रम मुक्ति जो है वो कब हो रही है? जब आत्मबोध हो जा रहा है, उस बिंदु को हम कह रहे हैं कि भ्रम मुक्ति हुआ और अज्ञान से मुक्ति हुआ। उससे पहले भ्रम मुक्ति हुआ अज्ञान से मुक्ति हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन उसके ओर क्रम तो रहता ही है। आत्मा के संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता ही अहंकार है ना। तो इस सूत्र से पता लगा कि बुद्धि एक समय तक अक्षम रहती है और एक स्थिति में आकर बुद्धि की क्षमता बन जाती है जब उसमें कि वो आत्मा का संकेत ग्रहण कर सके। और बुद्धि की क्षमता किस प्रकार बढ़ रही है? अवधारणा पूर्वक
बन रही है। अब अवधारणा पूर्वक जब बुद्धि की क्षमता बन जाती है तभी वो आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, तभी उसमें आत्मबोध होता है और तभी आत्मा व्यापक सत्ता में अनुभव करती है। उससे पहले आत्मा व्यापक सत्ता में अनुभव किए रहती है ऐसा नहीं। गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही अहंकार से मुक्ति है ना, साथ ही इससे अभिमान रहित संकल्प उदय होता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि गुणात्मक संस्कार क्या है, है ना, जो कि मानवीयता से संबद्ध संस्कार है, मानवीयता से संबद्ध जो शिक्षा है उसी से ही अहंकार से मुक्ति है, उसी से ही आत्मबोध संपन्नता है। और फिर इससे अभिमान रहित मतलब आरोपित मान्यता, अभिमान रहित संकल्प उदय होता है। संकल्प उदय किसमें होता है, बुद्धि में। तो बुद्धि को हम ये मानने जानने की जो है स्थली जो है वो बुद्धि को कहा है। मैं ये प्रश्न जो है ये मैं आखिर में देखूंगा, अभी इस क्रम को वैसे ही पढ़ते हैं, मैं सभी प्रश्न को अभी नहीं देख पा रहा हूं। तो अगला, भ्रम से मुक्त होने के लिए सत्य असत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणत होने की दृष्टि से प्रतिबद्धता की अनिवार्यता है। तो भ्रम से मुक्त होने के लिए मतलब भ्रम मुक्ति होने के लिए हमने कहा था कि ज्ञान में अनुभव होना आवश्यक है। तो क्या करना होगा उस लिए, जो सत्य और असत्य का विश्लेषण से प्राप्त से निष्कर्षों को निकालना होगा। तो अध्ययन में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें सत्य और असत्य का जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं, उनके बारे में स्पष्ट हो रहे हैं और उससे एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, है ना। तो उसका शोध पूर्वक, सत्य असत्य के विश्लेषण का शोध पूर्वक, शोध मतलब निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, ये करके हम निष्कर्ष को निकाल रहे हैं और वो दृढ़ संकल्प में परिणत होता है, है ना, कि हाँ ऐसा ही है और मुझे ऐसा ही जीना है। इस रूप में वो दृढ़ संकल्प में परिणत होता है, उससे और उसकी प्रतिबद्धता यानी उसमें एक कमिटमेंट, उसके साथ में निष्ठा की अनिवार्यता है, है ना। तो ज्ञान में अनुभव तभी होता है जब सत्य असत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणत होने की दृष्टि से प्रतिबद्धता या निष्ठा जो है वो हो जाए। सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। अब ये शोध क्या, शोध या अध्ययन को एक और तरीके से परिभाषित किया कि सिद्धांत क्या होगा कि कोई चीज अनुभव मूलक विधि से जो प्रस्तुत की गई है वो सिद्धांत है, है ना। तो सिद्धांत जो है जिसके अंत में समाधान सिद्ध होता हो वो सिद्धांत कहलाता है। तो सिद्धांत और प्रक्रिया पूर्वक, है ना, कोई सिद्धांत के साथ में आप कुछ प्रक्रिया जोड़ोगे, इसके द्वारा सत्यता का उद्घाटन, उससे सत्य जो है वो प्रकट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, सत्य जो है वो प्रकट होगा। किस में प्रकट होगा, स्वयं में अनुभव मूलक विधि से हम सत्य को उद्घाटित करते हैं, है ना। तो सिद्धांत और प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए मानवीय परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तु बोध और परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य हैं, है ना। तो अच्छी प्रवृत्तियों यानी सच्चाई को लेकर प्रवृत्तियों और सच्चाई के संस्कारों के लिए मानवीय परिवार यानी परिवार में ऐसा वातावरण जिसमें मानवीयता से संबंधित व्यवहार हो, है ना, वैसा उसके लिए कार्यक्रम हो, उत्पादन हो, विनिमय हो, न्याय हो, इन चीजों के साथ में मानवीय परिवार की पहचान है। और समाज सहज परंपरा मतलब ऐसी समाज हो जिसमें उसके अनुरूप शिक्षा हो और विनिमय हो और उस प्रकार से पूरी व्यवस्था हो, है ना। तो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था समाज सहज परंपरा का बात हो रही है, उससे ये वस्तु बोध और ये प्रेरणाएं सहायक तथ्य है ना। तो इनके स्थापना के लिए ये
में सहायक तथ्य है। इस बात को योगेश भैया ने भी इस बात के बारे में जो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति की थी उसमें भी इसी बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। आगे पढ़ते हैं, कृतज्ञता अस्ते अपरिग्रह सत्य भाषण स्वनारी स्वपुरुष गमन सरलता दया स्नेह पूर्वक विश्वास पालन यथार्थ वर्णन कर्तव्य और दायित्वों का वहन अधिक उत्पादन कम उपभोग उत्साह एवं चेष्टा रहस्यहीनता सहजता एवं निर्भयता सुसंस्कारों के लक्षण है, है ना। लक्षण मतलब जो व्यक्तित्व में आते हैं, है ना, यानी आहार विहार व्यवहार के रूप में इन बातों का लक्षण होता है, ये सुसंस्कारों का लक्षण है। किसी में सुसंस्कार है उसके लक्षण कैसे आएंगे, लक्षण होंगे उसके व्यक्तित्व में ही, और व्यक्तित्व में क्या लक्षण होंगे, कृतज्ञता अस्ते अस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, है ना, यानी कि समृद्धि के साथ रहना, सत्य भाषण है ना सत्य बोलना, बोलने में सच्चाई हो, स्वनारी स्वपुरुष गमन है ना यानी कि विवाह पूर्वक संबंध में ही है ना चरित्र की यहाँ पर बात है, सरलता है ना दया स्नेह पूर्वक विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन मतलब जैसा जो है उसका वैसा ही कहना, कर्तव्य और दायित्वों का वहन है ना समाज में और परिवार में जो अपने कर्तव्य और दायित्व हैं उनको वहन करना, उनसे भागना नहीं, अधिक उत्पादन और कम उपभोग है ना ये करना, तो अपने उपभोग में सम्मत संयमता होना और उत्पादन में प्रवृत्ति होना, उत्साह और चेष्टा है ना, रहस्यहीनता है ना चीजों को घुमा फिरा कर रहस्यमयी बनाना है ना, ये चीज जो है वो सुसंस्कार का लक्षण नहीं है, है ना। सुसंस्कार का लक्षण है चीजों को जैसा है वैसा बिना किसी रहस्य के बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत करना, ये रहस्यहीनता। सहजता और निर्भयता मतलब किसी के प्रति बैर भावना रखते हुए, ये सुसंस्कार का लक्षण है। लक्षणों के आधार पर ही स्वभाव तद अनुसार ही मूल्यांकन क्रिया है, है ना। तो ये लक्षण जो है मानव के व्यक्तित्व के आधार पर ही उसके स्वभाव और उसके अनुसार ही उसका मूल्यांकन होता है। लक्षण विहीन मानव नहीं है, मतलब मानव का कुछ ना कुछ लक्षणों को कुछ ना कुछ व्यक्तित्व को वो प्रकाशित करता ही है। मानव स्वतंत्र या स्वैच्छिक जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी मानव में स्वतंत्रता की कामना स्वाभाविक है और स्वेच्छा के साथ में जीना ही चाहता है, दूसरों के साथ में दासता के रूप में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है, और वह केवल यांत्रिक नहीं है, है ना। तो मानव को केवल यांत्रिक नहीं, मानव में कुछ भाग यांत्रिक है भी, जैसे शरीर में सांस लेना है ना, खाने का पचना, ये सब यांत्रिक है जो मानव का भाग है, लेकिन मानव केवल यांत्रिक नहीं है, है ना। तो मानव संवेदन, ये प्रत्येक मानव इकाई संवेदनशील और संज्ञानशील है, मतलब फीलिंग्स का होना, मूल्यों का होना, ज्ञान का होना, ये चीजें यांत्रिक नहीं है, ये जीवन क्रिया से जुड़ी है, इसमें और पूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है, है ना। जब तक जीवन में समाधान और अनुभव योग्य क्षमता नहीं हो जाती तब तक उसमें जागृति होने की संभावना बनी ही रहती है, यानी तब तक उसका जागृति का क्रम है। संवेदनशीलता संज्ञानीयता पूर्वक ही नियंत्रित होती है ना। तो ये वाली बात भी स्पष्ट हुई कि जब तक ज्ञान में अनुभव नहीं होता तब तक जो संवेदनाएं शरीर के संयोग के द्वारा प्रकट होती हैं और उसके द्वारा जो फीलिंग्स और का भी जो प्रकाशन होता है वो उनका नियंत्रण जो है वो संज्ञानीयता पूर्वक ही होता है। यह क्रम प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में साम्यस्यता पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा।
तो ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब समझना, परावर्तन मतलब समझाना या व्यक्त होना, इनमें सामरस्यता ना हो जाए, या फिर मानना और जानना के अंदर सामरस्यता जब तक नहीं हो जाती, तब तक ये श्रृंखलाबद्ध प्रतिति यानी जागृति का एक क्रम है। तो ये क्रम से ही पात्रता विकसित होती है और अग्रिम पात्रता बनती है और वो पूरी होती है। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध पद्धति से वो होता रहेगा। परावर्तन प्रक्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। तो परावर्तन से ही प्रतिभा अभिव्यक्त होती है। प्रतिभा का मुख्य स्वरूप क्या बताया था? निपुणता, कुशलता और पांडित्य, है ना? और वो जो व्यक्त होती है उसको हम कहेंगे व्यक्तित्व, जो ही है आहार विहार और व्यवहार। तो ये किस स्वरूप में व्यक्त होती है? व्यक्त होने के स्वरूप को कहा मानवीयता और अति मानवीयता के स्वरूप में। इन्हीं क्रिया संपन्नता द्वारा वांछित का, लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है, है ना? इसी से अन्य यानी जो अभी प्रत्यावर्तित नहीं हुई है, अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं का अपने में प्रत्यावर्तन योग्य व्यंजना होना संपन्न, व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष है। मतलब ऐसा अगर कोई मानवीयता अति मानवीयता स्वरूप में जीता है तो वो दूसरों के लिए भी उसकी, दूसरों में भी उसकी व्यंजना होती है, यानी उनके पास भी उसका संकेत आता है, उससे उनमें प्रत्यावर्तन होने की संभावना बन जाती है, है ना? तो इस प्रकार से जो एक व्यक्ति दर्शन के स्वरूप में जीता है वो बाकी लोगों के लिए क्या बन जाता है? दृश्य बन जाता है, और फिर उनमें दृश्य का दर्शन होता है, है ना? तो दृश्य का दर्शन होता है और उसमें वो जब वो दर्शन तैयार होता है, किस प्रकार से? जो विचार है सत्य के अर्थ में, जो विचार प्रस्तुत किया है विश्लेषण पूर्वक, उसके निष्कर्ष बनने के बाद में वो उसमें दर्शन तैयार होता है ना? ऐसा जीने का निष्कर्ष तैयार, उसके साथ अभ्यास जुड़ता है। ये सब अभ्यास जुड़ने के साथ में जब उसमें एक दर्शन तैयार होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें भी आत्मा में आत्मा का व्यापक सत्ता में प्रत्यावर्तन होने की संभावना उदय हो जाती है, है ना? तो इसी विधि से एक दीप से दूसरे दीप जलने जैसा, है ना, एक ज्ञान से दूसरे, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ज्ञान संपन्न होने का स्वरूप या अध्ययन का स्वरूप तैयार होता है। प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है, है ना? तो ये वाली बात ठीक है, प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है। देखिए, हम जो जो पढ़ते जाए ना, उसमें उसमें हमको अपना ऐसा हर सूत्र के अंदर अपने को ऐसा देखना है, क्या हमको ये पूरा पूरा स्पष्ट हो रहा है या नहीं, है ना? हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जितना हम अपने आप में संतुष्ट होते जाएंगे, हम उसमें रहेगा कि ये वाली बात सूचना में के रूप में अपने को ठीक ठीक ग्रहण हो गई है, है ना? तभी हमको उससे संतुष्टि बनेगी, आगे उससे श्रवण के बाद मनन का आधार बनेगा। श्रवण के बाद मनन का आधार बनने के लिए ठीक से श्रवण होना या जो कुछ कहा जा रहा है उसको यथावत स्वीकार होना आवश्यक है, है ना? तो ये जो हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम सब जो दर्शन वांग्मय है उसका हमारा श्रवण हो जाए, है ना? उसको हम ठीक ठीक सुन लें, उसके बारे में आत्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना, संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना नियंत्रित रहना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प और सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है, है ना? तो इसमें ये मतलब क्रम बताया है, अनुभवगामी क्रम जो है। तो गुणात्मक व्यंजना मतलब जब हम किसी अनुभव संपन्न व्यक्ति को समझते हैं तो वो उसकी उसकी व्यंजना जो हम पर हो रही है
वो हम कहेंगे गुणात्मक व्यंजना, यानी गुणों से संपन्न व्यंजना। इससे सुबोध यानी सही बात का हमें बोध होता है, सुबोध से सुसंस्कार, है ना। तो यानी सुबोध से ये संस्कार के रूप में स्थापित होता है, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना, यानी अब ऐसे संस्कार से संपन्न होने पर गुणात्मक संवेदना स्वयं में प्रकाशित होने लगती है। गुणात्मक संवेदना का मतलब बताया, संज्ञानीयता पूर्वक अपनी संवेदनाएं नियंत्रित रहना, यानी अब ये जीने में आ गया, संस्कार से संपन्न हुआ, उसको जीने में यानी कि शरीर के साथ में जब प्रमाणित किया तो ज्ञान के आधार पर संवेदनाओं का नियंत्रित रहना स्पष्ट हुआ। अब ये गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प हुआ, है ना। अब ये इस प्रकार से जीना शुरू हुआ, सत्य संकल्प से यहाँ से आशय सत्य का व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना। तो गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प हुआ, है ना, व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में। तो खाली पहले जो थी गुणात्मक संवेदना हुई, यानी कि मानो की ज्ञान के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित हुई, तो अब उसका उपयोगी होने का आधार बन गया। अब इसके बाद में व्यवस्था में भागीदारी करने को हम कह रहे हैं सत्य संकल्प। फिर सत्य संकल्प से गुणात्मक संव्यंजनाओं की निरंतरता, है ना। तो ये गुणात्मक संवेदनाओं की निरंतरता को हम का मतलब है परंपरा के स्वरूप में वो स्थापित हो जाए, है ना। तो जब पहले व्यवस्था में प्रमाणित होना और फिर उस प्रमाणित होने की निरंतरता किस रूप में हो जाए, गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता किस रूप में होगी, परंपरा के स्वरूप में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें चल रहे हैं। तो स्थिति एवं क्रिया का संकेत ग्रहण क्षमता ही व्यंजनीयता है, है ना। तो ये व्यंजनीयता शब्द का मतलब, हरेक में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि हर एक मानव जो है संकेत को ग्रहण कर सकता है, उसी को व्यंजना या व्यंजनीयता कहते हैं। व्यंजनीयता की परिभाषा थी वास्तविकताओं को व्यंजित कराने योग्य प्रस्तुति, है ना, इसको व्यंजनीयता कह रहे हैं। तो व्यंजित होना और कराना, इस रूप में मानव रहता है। संकेत के प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने, उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है, है ना। तो कोई भी संकेत को मानव ग्रहण करता है, यानी कि तो ये किस रूप में होगा, किस या तो वो ज्ञान को पाने के लिए होगा, है ना, या फिर कोई भौतिक वस्तु को पाने और उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में होगा। प्राप्त के अनुभव के क्रम में भास, आभास और प्रतीति ही ज्ञापक है, है ना। तो प्राप्त व्यापकता के अनुभव के रूप में भास, आभास और प्रतीति ही का ही सत्यापन होता है। मानव दूसरों के लिए भी संकेत प्रसारित करता है। तो हम आप क्या कर रहे हैं इसमें, ये भी संकेत प्रसारण ही कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमान आरोपण, है ना, अनुमान का आरोपण और अनुमान का अंकुर, अनुमान उदय होना। तो संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमान का आरोपण और अनुमान का अंकुरण भी है, जो संकल्प, इच्छा, विचार और आशा है, ये स्पष्ट है। तो अब इसके बाद में अगला सूत्र है, पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर, इंद्रिय मन तथा वृत्ति के द्वारा भाव या मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर, तथा इंद्रिय मन वृत्ति और चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर, और उनके जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है, है ना। तो इसमें ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में किस प्रकार से व्यंजना होती है, इस बारे में वर्णन किया है। तो मन में, मन को रसग्राही के रूप में बताया है। तो रस को, यानी जो कुछ भी आस्वादन हो रहा है वो मन में होता है। तो मन में तीन प्रकार के आस्वादनों की बात की गई है। एक तो संवेदनाओं का, ये रुचि का आस्वादन है, एक है मूल्यों का आस्वादन है, और एक है लक्ष्य का आस्वादन। तो उसका स्वीकार करने की बात मन में रहती है, और फिर उसमें जो तत्व है उसका व्यंजना जो है वो वृत्ति पर होती है। तो उसमें प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण जो है वो वृत्ति में होता है। तो एक प्रकार से जीवन में देखें तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो मन से जो
ग्रहण हो रहा है, उसका तत्व ग्रहण हो रहा है वृत्ति पर, और फिर उसकी मौलिकताओं का ग्रहण हो रहा है चित्त में, है ना। या फिर तो इस प्रकार से मौलिक, तो हम जो अध्ययन में कर रहे हैं, जो मन से ग्रहण हो रहा है उसकी, उसका वृत्ति में विश्लेषण कर विश्लेषण के सार रूप को मौलिकता के रूप में हम उसको चित्त में स्वीकार रहे हैं, है ना। और इसके द्वारा फाइनली क्या हो रहा है, बुद्धि में, बुद्धि क्या है, सत्य को ग्रहण करने की चीज है कि ये वस्तु वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं, इसका निर्णय जो हो रहा है वो बुद्धि में होता है। तो इसलिए बुद्धि ही ज्ञान का को या जानने की स्थली, एक सूत्र जो एक जगह बाबा ने बताया कि जानने की चिरस्थली बुद्धि है, है ना। तो इस प्रकार से जानने की जगह में हमें पहुंचता है कि कोई चीज जो है वास्तव में अस्तित्व में है, ये वाली बात का निश्चयन जो है वो बुद्धि में हो जाता है। वातावरणस्थ क्रिया संकेत ग्रहण और प्रसारण क्षमता ही व्यंजना है। तो व्यंजना में दोनों चीजों को जोड़ लिया, संकेत को ग्रहण करना और प्रसारण करना। प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा, विचार, इच्छा और संकल्प को वो संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। तो मतलब आशा, विचार, इच्छा और संकल्प मिलके एक मानसिकता का, एक जीवन के का एक स्वरूप बनता है। तो कोई भी संकेत मिलता है तो उससे उसका एक दूसरा आकार बनता है, है ना, और वो वर्तमान में प्रत्यक्ष होता है। फलतः मानव में अनेक विविधताएं, निपुणता, कुशलता, कला, विचार, आशा के रूप में प्रकट होती हैं, तथा पांडित्य में से के लिए सार्वभौमता है, है ना। तो इसके आधार पे मानव में जो विविधताएं हैं वो कला, निपुणता, विचार और आशा के रूप में इसमें विविधता रहेगी, और स्थिरता, कॉमननेस कहाँ पर रहेगी, सहीपन का कॉमननेस कहाँ पे रहेगी, वो रहेगी पांडित्य में, जो कि उसके बुद्धि के स्तर की स्वरूप है, जो कि सार्वभौम है, है ना। तो पांडित्य जो है वो प्रतिभा के रूप में रहेगा, है ना। तो उस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है, है ना। तो इसमें ये क्रम दे रखा है कि अब इसका जो है सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति है, है ना। तो किसका किस पर नियंत्रण है, तो व्यवहार जो मानव करता है उसका नियंत्रण जो है वो शरीर कर रहा है। शरीर का नियंत्रण कहाँ पर है, हृदय के द्वारा, और प्राण जो है यानी सांस लेने के द्वारा जो है वो हृदय का नियंत्रण है, और मन के द्वारा जो है वो प्राण का संचालन प्रसिद्ध है ना। तो ब्रेन के द्वारा जो मन ब्रेन के थ्रू जो है जो मन संकेत कर रहा है, उस प्रकार से प्राण का संचालन जो है वो मानव शरीर में हो रहा है। तो ये इस प्रकार से ये क्रम हुआ, मन, प्राण, है ना, और फिर उसके बाद हृदय, हृदय से शरीर, शरीर से व्यवहार। मन का संकेत संवेग के रूप में है, वह प्राण के द्वारा मेधस पर प्रसारित होता है, है ना। तो ये वाली बात ठीक हुई कि मन जो है वो संकेत कर रहा है और उस ब्रेन के ऊपर, और उसको हम संवेग कह रहे हैं, और वो प्राण के द्वारा, है ना, यानी प्राण वायु के द्वारा मेधस यानी कि ब्रेन के ऊपर प्रसारित होता है। मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर, मतलब उसमें एक वेव, उसमें एक पल्स के रूप में वो होकर शरीर को क्रिया व्यापार यानी कि शरीर को करने में, कुछ क्रिया करने में, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। तो मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर वो शरीर को क्रियाकलाप में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, है ना। तो बाहर मतलब तो इंद्रियों की परिभाषा एक दिया है, इच्छा पूर्वक द्रवित होने वाले अंग को
इंद्रिय कहा है। तो बाह्य प्रकृति के संकेतों को ग्रहण किस प्रकार करता है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ये परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। परानुक्रम मतलब बाहर से अंदर की ओर आना, अंदर मतलब जीवन में आना, यानी कि बाहर शरीर के बाहर की जो क्रियाएं हैं उनसे इंद्रिय सन्निकर्ष पूर्वक यानी इंद्रियों के कॉन्टेक्ट के द्वारा उनमें वो संकेत ग्रहण की प्रक्रिया है। आशा और विचार के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन और प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा और विचारों का स्पंदन प्रसिद्ध है, है ना। तो यानी जीवन में आशा विचार का जो स्पंदन है उसके अनुसार प्राणोद्दीपन, प्राणोद्दीपन को अपन बोलेंगे न्यूरॉन्स का जो फायरिंग होता है ब्रेन में, है ना। तो जब भी कोई जीवन है वो उसमें संकेत का प्रसारण करता है तो उससे एक प्राणोद्दीपन होता है, मतलब उसमें एक न्यूरॉन्स के अंदर एक्टिविटी होती है उस क्रिया को पहचानने के लिए। प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा और विचार का स्पंदन, ये अब संकेत को ग्रहण करने के लिए। जबकि संवेदनाओं से कुछ संकेत आता है तो वो जीवन के पास आशा और विचार के में स्पंदन के रूप में होता है। यही प्रक्रिया काम को क्रोध भय भ्रांति मोह शोक आदि परिपाकी प्रक्रियाओं में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। तो ये तो हमें पता ही है कि क्रोध भय आदि की स्थिति में जो हमारी सांस बढ़ जाती है और इस प्रकार से एक बेचैनी होती है और इस तरह की चीजें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं तो उसे पता लगता है कि शरीर और मानसिकता का एक लिंक है, ये हमको स्पष्ट होता है। पर सहज रूप में इनका क्या कार्यकलाप है वो हम उसको अध्ययन की वस्तु है। स्पंदन प्रतिस्पंदन, स्पंदन मतलब जो निर्भ्रांति पूर्वक जो जीवन में है और प्रतिस्पंदन मतलब भ्रांति पूर्वक। स्पंदन प्रतिस्पंदन क्रिया प्रक्रिया सहित ही संतुलन असंतुलन, समाधान समस्या, स्नेह द्वेष, शांति अशांति, संतोष असंतोष, गौरव तिरस्कार, आदर अनादर, विश्वास अविश्वास, श्रद्धा अश्रद्धा, धैर्य अधैर्य एवं कृतज्ञता कृतज्ञता पूर्वक कृतज्ञता पूर्ण कार्य और व्यवहार को मानव सभी आयामों कोणों तथा स्थितियों में निर्भ्रांति अथवा भ्रांति पूर्वक संपन्न करता है, है ना। तो अब ये जीवन में जो दो ही स्थितियां बन रही हैं, या तो भ्रांति की या निर्भ्रांति की, तो भ्रांति और निर्भ्रांति के रूप में उसका फिर क्रियाकलाप का क्या स्वरूप होता है उसको फिर दर्शन में विश्लेषण कर दिया कि वो या तो अगर भ्रांति पूर्वक असंतुलन है, निर्भ्रांति पूर्वक संतुलन है, और उसी प्रकार से समस्या समाधान द्वेष स्नेह आदि का भी विश्लेषण किया गया है। प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है, है ना। यानी कि मतलब आत्मा की ओर जो है प्रत्यावर्तन मतलब मूल्यांकन होना, है ना, ही पूर्वानुक्रम है। पूर्वानुक्रम मतलब जो है आत्मा से प्रकाशित होना। इसी पद्धति से आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर और वृत्ति का प्रभाव मन पर पाया जाता है। यही आत्मनियंत्रित अभिव्यक्ति है, है ना। तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि बुद्धि किस प्रकार से आत्मा में अनुभव कर लेती है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि आत्मा के अनुसार कार्य करती है। तो यही अनुभव मूलक जीवन एवं जीवन की पूर्णता है। आत्म अनुशासित जीवन ही अनुभव पूर्ण है, है ना। तो ये वाली बात जो है इस दर्शन का जो मेन जो उद्देश्य है या मानव के लिए लक्ष्य है वो है आत्मानुशासित जीवन। आत्मानुशासित जीवन ही मानवीयता पूर्ण जीवन है, देव मानवीयता पूर्ण जीवन है, दिव्य मानवीयता पूर्ण जीवन है। उसी से ही मानव का स्वयं में तृप्ति जो है वो आत्मा में अनुभव के रूप में पहचाना गया है, और ऐसे अनुभव के आधार पर जो जीने का स्वरूप है उसको व्यवस्था के रूप में पहचाना गया। अनुभव में अस्तित्व में ही परमानंद आनंद संतोष शांति सुख पूर्वक आप्लावन की निरंतरता है, है ना। तो आत्मा का व्यापक सत्ता में अनुभव होने को परमानंद कहा, बुद्धि का आत्मा में अनुभव होने को आनंद कहा, चित्त का ऐसे अनुभव मूलक बुद्धि के रूप में अनुभव होने को संतोष कहा, और
वृत्ति का ऐसे चित्त के में अनुभव होने को शांति कहा और मन का ऐसे वृत्ति में अनुभव होने को सुख कहा। तो उसमें उस आप्लावन की निरंतरता है, मतलब उसमें एक एक सुख की स्थिति की बनी रहने की निरंतरता है। ब्रह्मानुभूति में परमानंद आत्मा में, आत्मानुभूति में आनंद बुद्धि में, बुद्धि सहज अनुभूति संतोष चित्त में, चित्त सहज अनुभूति में शांति वृत्ति में, और वृत्ति सहज अनुभूति में सुख मन में है, यही अनुभव समुच्चय। तो ये अपने में स्पष्ट ही है, अनुभव समुच्चय ही अभ्युदय की परम उपलब्धि एवं लक्ष्य है, है ना। तो ये वाली बात है कि जीवन जो है अनुभव संपन्न हो जाए, अनुभव मूलक हो जाए, यही अभ्युदय की परम उपलब्धि और लक्ष्य है। अभ्युदयशील सामाजिकता यानी अभ्युदय की को बनाए रखते हुए होने वाली सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था, है ना। इन शब्दों से हम अच्छे से अब परिचित हो चुके हैं। सामाजिकता का मतलब क्या होता है, विधि और व्यवस्था यानी कानून और जो कुछ भी व्यवस्था सिस्टम्स हैं उसके स्वरूप में विधि और व्यवस्था है, और सभ्यता और संस्कृति का भी स्वरूप जो है हम समझ चुके हैं कि मूल्यों के रूप में, मूल्यों का जो विस्तार है वो संस्कृति के रूप में है, है ना, और जीने का स्वरूप जो है वो सभ्यता के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव समुच्चय को ग्रहण करने योग्य क्षमता योग्यता पात्रता को प्रदान करती है, यही परंपरा का आधार भी है। तो ये अपने आप में स्पष्ट है। आगे है, मानवीयता का संरक्षण संवर्धन आपको आवाज सुनाई दे रही है, सही? एक बार फिर से, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि आवाज आपको ठीक आ रही है। ओके, गुड। तो मानवीयता का संरक्षण संवर्धन आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है, है ना। ये वाली बात अपने में स्पष्ट है। धीरता वीरता उदारता पूर्ण स्वभाव पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा पूर्ण विषय प्रवृत्तियां तथा न्याय धर्म सत्यता पूर्ण दृष्टि ही मानवीयता सहज महिमा है, है ना। तो स्वभाव और विषय और उनका दृष्टि, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसकी परिभाषाएं हम जानते ही हैं, है ना, धीरता वीरता और उदारता के बारे में, कि स्वभाव जो है मानवीय स्वभाव क्या होगा, न्याय में निष्ठा और दृढ़ता को धीरता कहा है, दूसरों को न्याय दिलाने में स्व शक्तियों का नियोजन करना वीरता कहा है, और अपने तन मन धन का स्व प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए अर्पित करना उसको उदारता कहा है, और उसके साथ में विषय होंगे पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा यानी जनबल कामना धनबल कामना और यशबल कामना, इनके साथ में जो है प्रवृत्तियां और न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि, है ना, ये स्वयं में हो जाए, ये मानवीयता सहज महिमा है। जिसके संरक्षण हेतु, है ना, इसके इसी को बनाए रखने के लिए संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था का प्रणयन शिक्षा पूर्वक एवं जागृति के लिए सर्व सुलभ होता है। अनुभव पूर्ण मानव में मानवीयता पूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। बात स्पष्ट है, मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता है। यहाँ देखिए सामाजिकता की सूत्र दिया कि मानवीयता पूर्ण व्यवहार का ही विस्तार सामाजिकता है। अखंडता सार्वभौमता सहज सामाजिकता पूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा है, है ना। तो सामाजिकता पूर्ण जीवन, हम जब अनुभव गामी विधि में चल रहे हैं, तो अखंडता सार्वभौमता सहज सामाजिकता पूर्ण जीवन, है ना, ये एक अभ्यास करना आवश्यक है, तभी वो अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा बनती है और अनुभव के लिए पात्रता बनती है। तो अनुभवगामी पद्धति में जो अभ्यास जो जुड़ते हैं,
वो मानवीयता के साथ में पहले अभ्यास जुड़ेंगे, सामाजिकता से जुड़े हुए, और फिर उसके बाद में अति मानवीयता संबंधी जिज्ञासा का उदय होता है, फलस्वरूप अनुभव होता है, फिर उसके बाद में मानवीयता का प्रमाण प्रस्तुत होता है, फिर देव मानवीयता का प्रमाण प्रस्तुत होता है, फिर दिव्य मानवीयता का प्रमाण प्रस्तुत होता है। तो प्रमाण प्रस्तुत होना और उसके लिए अनुभवगामी विधि में अभ्यास होना, ये दो अलग चीजें हैं, है ना। तो अनुभवगामी विधि में अभ्यास करते हुए मानवीयता का, देव मानवीयता का, दिव्य मानवीयता का अभ्यास करते हैं, है ना। तो उनके ये तीनों चेतनाएं जो हैं, ये अनुभवगामी विधि में स्पष्ट होती हैं, और स्पष्ट होने के क्रम में उनके अर्थ में अभ्यास भी आवश्यक रहता है, और फिर अनुभव मूलक विधि से क्रमशः मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का प्रसारण करना संभव हो पाता है। तो आगे नित्यम यातु शुभोदयम, ये बात लिखा है, बहुत बढ़िया। तो आज का टाइम भी लगभग समाप्त हो रहा है, क्विकली सी हमारे प्रश्नों की स्थिति भी। हाँ, उम्मेद भैया ने लिखा है, गूढ़ ज्ञान को सरल शब्दों में व्याख्यायित करना अनुभवी मानव कर सकता है। ठीक बात है, ज्ञान मतलब गूढ़ नहीं है, पर हाँ मतलब ज्ञान को शब्दों में व्याख्या दे पाना ये अनुभव के द्वारा ही हो पाता है। बाबू सिंह नायक जी ने लिखा है, बुद्धि असल में क्या चीज है जो नहीं होती है, क्या जड़ एवं चैतन्य का स्पष्ट भेद बुद्धि में है, मैं अहंकार मैं चेतना में कितनी कितनी दूरी है। तो भैया इसमें दर्शन कि बुद्धि असल में जीवन का प्रथम परिवेश है, और वो आत्मा के निकट होने पर प्रत्यावर्तित नहीं होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रत्यावर्तित नहीं रहता है, है ना। तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन तभी संभव होता है जबकि उसके लिए उसके जो अंग हैं, जो आशा विचार और इच्छा जो है, जब तक वो तदाकार नहीं हो जाए, यानी कि उनमें विचार का मंथन होकर उसका एक निश्चित स्वरूप जो है बुद्धि के लिए तक पहुंचता नहीं है, जब तक अनुभवगामी विधि से बुद्धि में अवधारणा बोध नहीं होता है, तब तक बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है। तो आत्मा के निकट होने से ही केवल बुद्धि प्रत्यावर्तित हो जाए, ऐसा तो कोई कारण समझ में नहीं आता है। तो जड़ और चैतन्य का स्पष्ट भेद बुद्धि में है, नहीं ऐसा भी शायद नहीं कह सकते, क्योंकि जड़ और चैतन्य का स्पष्ट भेद गठन पूर्णता के अर्थ में ही स्पष्ट हो जाता है, जो कि जीव जानवरों और जो क्या कहें ना, वेजिटेबल्स जो हैं या जो प्राणावस्था में, उनमें हमें स्पष्ट भेद तो दिखाई देता ही है, है ना। तो वो जीने की आशा के प्रसारित होने से ही हम जड़ और चैतन्य का भेद तो देखते ही हैं, पर चैतन्य का जो पूर्ण प्रकाशन होता है वो बुद्धि पूर्वक ही होता है, जो कि जागृत मानव में संभव हो पाता है, है ना। तो मैं अहंकार और मैं चेतना में कितनी दूरी है, तो अहंकार जो है वो तब तक है जब तक कि अवधारणा पूर्ण नहीं हो जाती, और मैं की चेतना तब है जब वो अनुभव मूलक हो जाता है। तो अवधारणा पूर्ण होने के बाद, यानी कि उसके उसके बाद में अनुभव ना हो, उसके बीच में कोई दूरी नहीं है, है ना। तो ये बाबा जी इस बारे में कहते ही थे कि ये अवधारणा बुद्ध बोध पूर्ण होने पर तत्काल अनुभव होता है ना। तो ये चीज जो है उसके साथ में, तो आत्मा उसको स्वीकार करने के लिए रहता ही है, बुद्धि में बोध हो जाए, बुद्धि में अवधारणा बोध हो जाए और आत्मा में अनुभव ना हो, है ना, आत्मा उसको स्वीकारे ना, ऐसा कोई कारण बनता हो ऐसा मुझको तो समझ में नहीं आता है, है ना। और बाबा जी का भी उसमें वही कहना है। तो श्यामवीर सिंह जी का इसमें प्रश्न है, भैया आत्मा का संकेत ग्रहण क्षमता अभाव अहंकार, ये ऐसा भासता है जैसे आत्मा अनुभव अनुभूत है ही,
यहाँ आत्मा का क्या संकेत? तो इसमें आत्मा का संकेत मतलब आत्मा है उसका, उस प्रकार से तो बना ही है, है ना। तो आत्मा जो है उसकी स्थिति के अनुसार उसका एक स्वरूप है, पर उस स्थिति को स्वीकार, संकेत ग्रहण क्षमता जो का तो विकास तो उससे कम वाली वस्तु बुद्धि में ही होगा। और जब तक बुद्धि उसमें परिवर्तित नहीं होती है, उसमें प्रत्यावर्तित नहीं होती है, तब तक वो उसके संकेत को ग्रहण नहीं कर पाती है, और साथ ही में आत्मा में अनुभव भी होता है, है ना। तो अगर मान लो हम ये कहें कि आत्मा में अनुभव है ही, है ना, तो उससे आशय ये जाता है कि मतलब वो अधिक श्रेष्ठ वस्तु जो है वो कम श्रेष्ठ जो है फिर भी उसके अंदर मनमानी किए हुए है ना। तो यहाँ पर ऐसा आशय व्यक्त नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हम यहाँ पर एक मिनट रोक सकते हैं, पर मैं इन प्रश्नों को है ना टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका उत्तर दे दूंगा, ताकि लिखित रूप में भी वो आ जाए। तो सुनील अजीवाल जी ने लिखा है, भ्रमित मानव में 4.5 क्रिया ही होती है तथा बुद्धि चुप रहती है, तो बुद्धि ही अहंकार कैसे, है ना। तो इसमें बुद्धि चुप रहती है उससे आशय क्या है, है ना। तो बुद्धि ठीक है, तो जो भी भ्रमित अवस्था में भी बुद्धि जो है चित्त तक बनने वाले चित्रणों का दृष्टा बना रहता है, और बुद्धि जो है वो आत्मा से प्रामाणिकता की अपेक्षा में रहती है और चित्रणों का दृष्टा बना रहता है, है ना। तो ऐसे में बुद्धि ही स्वयं जो कुछ जो चित्रणों को नकारता रहता है, जो भ्रमित चित्रणों को नकारता रहता है और अपने से श्रेष्ठ को पहचाना नहीं रहता है, इसीलिए उसका नाम अहंकार दिया गया है, है ना। तो 4.5 क्रिया ही होती है, इसका मतलब है 4.5 क्रिया ही प्रमाणित होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि और आत्मा होती नहीं, बुद्धि और आत्मा होती है लेकिन वो प्रभावी नहीं रहती है, है ना। साथ ही ये भी हमने बात किया कि बुद्धि और आत्मा जो है वो एक प्रकार से जीवन में इनकरप्टेबल कोर है, मतलब वो ऐसे मूल है जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं होता, यानी उसके ऊपर कोई विषम चीज जाती नहीं है, है ना। तो विषमात्मक चीज जाती नहीं है और सम का मध्यस्थ का आधार उसमें बना नहीं रहता है, ऐसी स्थिति 4.5 क्रिया में रहती है। तो ऐसे जीवन में एक अपेक्षा तो बन जाती है ना, सच्चाई की अपेक्षा तो मानव में रहती है, आत्मा और बुद्धि के रहते जीवन में, मानव जीवन में सच्चाई की, सुख की अपेक्षा तो रहती है, लेकिन सुख को प्रमाणित करने का आधार नहीं बना रहता है। तो सुख को प्रमाणित करने का आधार बनने के लिए जीवन में अध्ययन की आवश्यकता रहती है, समझ की आवश्यकता रहती है, विचारों के ध्रुवीकरण होने की आवश्यकता रहती है, विश्लेषण का सार निकलने की आवश्यकता रहती है। जब तक ये सार नहीं निकलता है तब तक आशा विचार इच्छा जो है वो अपने तरीके से कार्यरत रहते ही है, और बुद्धि का स्वरूप एक अहंकार के रूप में ही प्रमाणित होता है, और उससे पहले जो है अभिमान और हट का भी स्वरूप बना रहता है। तो यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि समय हमारा हो गया है, बाकी के प्रश्नों को मैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में उत्तर करूंगा या फिर हम कल भी उसको चर्चा कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझको सुना। हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अध्याय 4 और 5 को। बहुत धन्यवाद।